हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर CU SAT होने वाला है। तो CU SAT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में रहने वाला है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने यही सजेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि ये जो CU SAT का फ्रेम बनाया जाएगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट ए होगा जिसमें एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, फिर आपका जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत आएगा, करंट अफेयर्स। तो इस टाइप का रहेगा आपका पार्ट ए, जिसमें आपको थोड़ी बहुत एलिमेंट्री मैथ्स भी पूछी जा सकती है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने बताए, आपका लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया था कि आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहने वाला है CU SAT एग्जाम के लिए। बाकी पार्ट टू वो पोर्शन होगा जो कोर्स आप करना चाहते हैं। लाइक मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो जो पार्ट ए है वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहने वाला है और जो पार्ट बी होगा वो कोर्स टू कोर्स वेरी करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो पार्ट बी में आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो पार्ट ए है उसमें तो वो पोर्शन कवर होंगे ही, लेकिन पार्ट बी में आपसे इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। अगर कोई हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है तो उससे इंग्लिश से थोड़ा लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये पार्ट ए और पार्ट बी का डिफरेंस है। और जो सी यू सेट का पैटर्न रहने वाला है वो पार्ट ए और पार्ट बी के बेसिस पे ही रहेगा, क्योंकि आपका एक तो ये जो नॉर्मल पार्ट ए है ये सबसे पूछा जाएगा और पार्ट बी में आप स्पेसिफिकेशन देखे जाएंगे कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। लाइक अगर कोई स्टूडेंट बी कॉम ऑनर्स करना चाहता है तो उससे अकाउंटिंग, बिजनेस रिलेटेड और इकोनॉमिक्स रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जो भी कोर्स करना है आप उसके भी 12th के सिलेबस को कवर करते हुए चलें, साथ ही आपको ये पार्ट ए वाला पोर्शन भी कवर करते हुए चलना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर JNU या फिर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें एप्लीकेबल होगा और जल्द ही इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आपको बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करेगी। तो आप इस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को हार्ड एंड रॉक सॉलिड बनाएं। और अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हो तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। जाओ उस वीडियो को देखो और अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बनाओ और रेडी हो जाओ एडमिशन के लिए। थैंक यू। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर करना ताकि और मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियोज़ बनाने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।